तो गज जैसे कि आपका रेस्वेप पर सॉन्ग प्ले नहीं हो रहा है, बार बार आपको यही मैसेज सो रहा है, तो गज आप कैसे रेस्वेप का इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो इस वीडियो बताऊंगा। आपके पास कोई सा भी मोबाइल हो सकता है, ओप्पो, वीवो, रियलमी, सैमसंग, और गज जैसे कि आपके पास कोई सा भी सिम हो सकता है, जियो, एयरटेल, वोडाफोन। जैसे कि यहाँ पर आपका जैसे कि रेस्वेप पर कोई भी सॉन्ग प्ले नहीं हो रहा है, कुछ इस तरह का मैसेज बार बार सो रहा है, तो गज इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो गज इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, और गज हाँ अपना भाई के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अपना भाई का है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर देना और इस वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलो अपना टाइम वेस्ट करते हुए इस प्रॉब्लम को फिक्स आउट करते हैं। जैसे कि ये जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, आपका सॉन्ग प्ले नहीं हो रहा है, कुछ इस तरह का पॉपअप मैसेज शो होता है, और गज आप सॉन्ग प्ले नहीं कर पाते हो, तो गज कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गज इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो अभी जैसे कि इस प्रॉब्लम को जैसे ठीक कर लेते हैं। तो गाइस इस प्रॉब्लम को फिक्स आउट करने के लिए मैं दो ट्रिक बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना। तो गाइस सबसे पहला ट्रिक तो ये है कि जैसे कि आपको क्या करना है, अपना फ़ोन का सेटिंग पर चले जाना। जैसे कि यहाँ पर मैं अपना फ़ोन का सेटिंग पर चले जाता हूँ। सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पर आपको कुछ टाइप का ऐप, साउंड, नोटिफिकेशन, डिस्प्ले, वॉलपेपर, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ तरह का यहाँ पर आपको सेटिंग देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आपको स्वाइप अप करना, तो गाइस यहाँ पर आपको ऐप्स देखने को मिलेगा, और गाइस आपके फ़ोन पर मैनेज ऐप्स, ऐप्स लिस्ट जो भी हो सकता है। और गाइस जैसे कि आपको यहाँ पर ऐप्स नहीं मिलता है, जैसे काफ़ी सारे बंदे को ऐप्स नहीं मिलता है सेटिंग पर, तो गाइस ऊपर सर्च बार है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, तो गाइस यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो ऐप्स, APPS ऐप्स को जैसे सर्च कर सकते हो। और गाइस यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ऐप्स मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद जैसे कि आपके फ़ोन पर जितने भी एप्लीकेशन है यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे फ़ोन पर जितने भी एप्लीकेशन है यहाँ पर शो हो रहे हैं। और गाइस यहाँ पर आप जैसे कि ढूंढ भी सकते हो, और गाइस ऊपर सर्च कर सकते हो। जैसे कि हमको चाहिए अभी रेस्टो ऐप, जैसे कि जो भी आपका रेस्टो ऐप है उसको यहाँ पर ढूंढना है। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर मैं रेस्टो ऐप को ढूंढ लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मेरे को रेस्टो ऐप मिल जाए। जैसे कि यहाँ पर आपको नहीं मिलता है, तो गाइस ऊपर सर्च बार है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो वहाँ पर आप जैसे कि सर्च भी कर सकते हो। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे को यहाँ पर रेस्टो एप्लीकेशन मिल चुका है। तो गाइस मैं रेस्टो एप्लीकेशन के ऊपर ही क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप रेस्टो एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करते हो, तो गाइस यहाँ पर आपको जैसे काफ़ी सारा सेटिंग देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आपको जैसे कि क्या करना है, यहाँ पर आपको स्टोरेज देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पर आपको स्टोरेज के ऊपर क्लिक करना है, जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप क्लिक करते हो, तो गाइस यहाँ पर आपको ऐप्स, डाटा, कैचेस, टोटल यहाँ पर आप देख सकते हो। तो गाइस सबसे नीचे क्लियर डाटा, क्लियर कैचेस मिल जाएगा। तो गाइस आप क्लियर डाटा जैसे ही कर देते हो, तो गाइस आपका जो भी आईडी लॉगिन था, फ़ोन नंबर, जीमेल, फेसबुक, जैसे भी, तो गाइस वो लॉग आउट हो जाएगा। और गाइस आपको यहाँ पर क्लियर कैचेस करना है, जैसे कि यहाँ पर मैं क्लियर कैचेस कर देता हूँ। जैसे आप क्लियर कैचेस कर देते हो, तो गाइस फिर गाइस अपना जैसे कि रेस्टोरेंट ओपन करके देखना है, वहाँ पर वो प्रॉब्लम शो हो रहा है नहीं, फिर भी गाइस शो होता है, तो गाइस दूसरा ट्रिक यूज करना है। तो गाइस दूसरा ट्रिक तो काफ़ी बढ़िया है, 100% आपके फिक्स आउट हो जाएगा। तो गाइस क्या करना है, आपका जो भी पुराना रेस्टोरेंट एप्लीकेशन है उसको अनइंस्टॉल कर देना, डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर आपको प्ले स्टोर में चले जाना है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरह डाउनलोड करना है। जैसे आप प्ले स्टोर में चले जाते हो, जाने के बाद यहाँ पर आपको रेसो जैसे कि सर्च कर देना। जैसे रेसो सर्च कर देते हो, तो गाइस जैसे कि यहाँ पर आपका जैसे कि पुराना में अपडेटेड वर्जन नहीं मिलता है, इसलिए प्रॉब्लम शो होता है। तो गाइस आप जैसे अपना जो पुराना वाला रेसो एप्लीकेशन डिलीट कर देते हो, तो गाइस यहाँ पर आप फिर से जैसे प्ले स्टोर में आके फिर से न्यू इंस्टॉल करना है, जैसे कि रेसो एप्लीकेशन को। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 76 MB का है। फिर गाइस उस पर जैसे कि अपना आई डी लॉग इन करना है, जैसे कि मोबाइल नंबर, जीमेल, जो भी हो उससे लॉग इन करके फिर से गाइस वहाँ पर सॉन्ग प्ले करना। तो गाइस आपका सॉन्ग प्ले हो जाएगा, क्योंकि गाइस अपडेट आता रहता है, इसके लिए आप लोग जैसे कि अपडेट नहीं करते हो, तो गाइस इसलिए प्रॉब्लम शो होता है। फिर भी गाइस आप जैसे कि डिलीट नहीं करना चाहते हो, तो गाइस यहाँ पर आके आप अपडेट कर सकते हो एक बार। तो गाइस कुछ इतना करने के बाद जैसे कि आपका रेस्टो एप्लीकेशन पर जो भी सॉन्ग प्ले नहीं होता है वो जैसे कि सॉन्ग प्ले हो जाएगा। जैसे कि आपको प्ले स्टोर में आकर न्यू से डाउनलोड करना है, जो आपका पुराना वाला है उसको डिलीट कर देना है, कुछ इस तरह का हेल्पफुल टिप्स के लिए।